हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। कोतवाली थाना क्षेत्र के पास इलाके साहबगंज में पटाखों से लदी पिकअप में लगी आग, मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंचे आला अधिकारी ने शुरू की तफ्तीश। एसपी सिटी ने कहा नहीं हुई है कोई जनधन की हानि, अज्ञात रूप से खड़ा था वाहन, जांच के बाद होगी कड़ी कार्रवाई। जिला अस्पताल में अब होगा निशुल्क डायलिसिस। पीपीपी मॉडल में बने 10 बेड के डायलिसिस केंद्र का 1 नवंबर को सीएम योगी करेंगे लोकार्पण, सीएमओ ने दी जानकारी। एसएसपी की अध्यक्षता में संपन्न हुई पुलिस पेंशनरों की बैठक, पेंशनरों की समस्या का किया गया निराकरण। एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत 1 से 5 नवंबर तक इंदिरा बाल विहार में लगेगा दिवाली मेला, उपायुक्त उद्योग पूजा श्रीवास्तव ने दी जानकारी। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजीव अग्रवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मिशन साहसी कार्यक्रम में शामिल हुई हजारों छात्राएं, आत्मरक्षा के गुर का किया प्रदर्शन, छात्र हम किसी से कम नहीं। धान खरीद के लक्ष्य को समय से पूरा करने के लिए प्रभारी अधिकारी एडीएम वित्त व राजस्व ने सभी एसडीएम और कर्मचारियों को दिए निर्देश, जबकि सहकारी क्रय विक्रय केंद्र के कर्मचारियों ने दी है हड़ताल की चेतावनी। खसरा और रुबैला के खात्मे के लिए 25 नवंबर से चलेगा विशेष टीकाकरण अभियान, सीएमओ ने बताया 9 से 15 वर्ष के बच्चों को लगेगा टीका, टीमें तैयार। इलाहाबाद कचहरी डाकघर में अधिवक्ताओं द्वारा की गई घटना के विरोध में अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ ने किया प्रदर्शन, दोषी अधिवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग। घोष कंपनी से जिला अस्पताल तक के अतिक्रमण पर चला नगर निगम का डंडा, कराया गया नालों की सफाई। 5 सूत्रीय मांग को लेकर बीएसएनएल यूनियन ने किया प्रदर्शन, हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी। कार सेवकों की याद में बजरंग दल ने आयोजित किया दधिच रक्तदान शिविर, 43 यूनिट किया रक्तदान। अंजुमन हुसैनिया के तत्वावधान में निकला मातमी जलूस, सीना जनी कर शिया समाज के लोगों ने किया हुसैन को याद। और जयंती की पूर्व संध्या पर याद किए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल, दी गई श्रद्धांजलि।